जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि साल 2022 में अक्षय तृतीया कब है। अक्षय तृतीया के दिन लोग सोना चांदी खरीदते हैं, उसके साथ ही कुछ और ऐसी चीजें होती हैं जो कि अक्षय तृतीया के दिन खरीदना शुभ माना जाता है, तो उसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे कि अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी यानी कि सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इसके अलावा खरीदारी के अलावा अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या करना चाहिए उसकी भी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय तृतीया या अक्षय तीज के नाम से जानी जाती है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को एक अवूज मुहूर्त और शुभ तिथि माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य, खरीदारी जैसे घर वाहन नए वस्त्र सोने चांदी के आभूषण खरीदे जा सकते हैं। इस दिन किए गए कार्यों का फल भी अनंत और अक्षय होता है। चलिए जानते हैं साल 2022 में अक्षय तृतीया कब है एवं खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में अक्षय तृतीया का पर्व 3 मई मंगलवार को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया पूजा का मुहूर्त होगा प्रातःकाल 5:39 से दोपहर 12:18 तक। तृतीया तिथि कब प्रारंभ होगी कब समाप्त होगी उसका डिटेल्स हम स्क्रीन पे दे दे रहे हैं, आप उसे ध्यान से देख लेंगे। बात करें अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, वो भी डिटेल्स हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, उसे भी ध्यान से आप देख लेंगे। चलिए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों अक्षय तृतीया पर दो कलश का दान महत्वपूर्ण होता है, इनमें एक कलश पितरों का और दूसरा कलश भगवान विष्णु का माना जाता है। पितरों वाले कलश को जल से भरकर काले तिल चंदन और सफ़ेद फूल डालें, वहीं भगवान विष्णु वाले कलश में जल भरकर सफ़ेद जौ पीला फूल चंदन और पंचामृत डालकर उस पर फल रखें। इससे पितृ और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। अब चलिए जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन क्या खरीदना शुभ होता है। सबसे पहली चीज़ है शंख। मान्यता है कि अगर अक्षय तृतीया के दिन शंख खरीदकर घर लाई जाए और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित की जाए तो इससे माँ लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती है और घर में धन संपत्ति में वृद्धि होती है। दूसरी चीज़ है अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती रहती है, इस दिन सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन सोने चांदी की खरीदारी करने जा रहे हैं तो माँ लक्ष्मी की चरण पादुका घर अवश्य लाएं, इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास होगा। तीसरी चीज है श्री यंत्र माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, शास्त्रों में श्री यंत्र की विशेष महिमा बताई गई है। यदि कोई अक्षय तृतीया के दिन सोने या चांदी से बना श्री यंत्र खरीद कर घर लाता है और पूजा स्थल पर इसकी स्थापना कर नियमित रूप से इसकी पूजा करता है तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है कौड़ी। कौड़ी समुद्र से निकलती है, कहा जाता है कि इसमें धन को आकर्षित करने का गुण होता है। कौड़ियाँ भी माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है, इसलिए अक्षय तृतीया पर कौड़ियाँ खरीदना शुभ होता है। इस दिन कौड़ियों की पूजा कर इन्हें लाल कपड़े में रखकर धन रखने वाले स्थान पर रखने से आर्थिक समस्याएं दूर होती है। तो दोस्तों इस अक्षय तृतीया आप ये चीज़ें जरूर खरीद कर घर में लाएं। इनमें से कोई पूरी चीज़ें नहीं ला सकते हैं तो इनमें से कोई एक चीज़ जो माँ लक्ष्मी को प्रिय है वो अवश्य खरीद कर लाएँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।